द्रौपदी मुर्मू भारत देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने वाली हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं वो 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। द्रौपदी मुर्मू की जीत के साथ ही भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय जुड़ने जा रहा है। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होगा। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म साल 1958 में ओडिशा राज्य के मयूरभंज इलाके में 20 जून को एक आदिवासी परिवार में हुआ था। श्यामचरण मुर्मू के साथ द्रौपदी मुर्मू की शादी हुई थी। द्रौपदी मुर्मू 3 बच्चों की मां बनी, जिसमें 2 बेटे थे और 1 बेटी। लेकिन इनका व्यक्तिगत जीवन ज्यादा सुखमय नहीं रहा, क्योंकि इनके पति और दोनों बेटे अब इस दुनिया में नहीं हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आज से 25 साल पहले एक वार्ड काउंसलर के रूप में की थी। इसके बाद वो विधायक भी बनी। द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर से 2 बार विधायक रहीं। साल 2015 में उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। खास बात ये रही कि उन्हें कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राज्यपाल बनाए रखा गया।